की कहानी है जो बचपन में गुम हो जाती है, सड़क हादसे में उनके माता पिता का दुर्घटना में सोने से मौत हो जाती है, फिर उसको एक सज्जन परिवार उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर वो किसी बड़े हो जाती है, फिर उसके पर किस तरह से तकलीफ आती है, उसको सपने आते हैं उसके माता पिता के, फिर अंत में वो अपने माता पिता की खोज में निकलती है तो उसको पता चलता है कि वो सड़क एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना हो गई थी, तो फिर वो अपने जो पाल पोस कर उनको बड़ा किए रहते हैं उन माता पिता का धन्यवाद देती है, तो पालनहारी बड़ा होता है। इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और बढ़िया सिंपल साधारण सी कहानी है जो दिल को छू जाती है। स्टोरी बहुत हार्ड स्टोरी भी अच्छी प्रेजेंट की गई, अच्छी दिल पे बैठी स्टोरी, अच्छा काम की एक्टर हो। टेन ऑफ टेन सभी के लिए देना कुछ भी। नौ नौ बस बहुत बढ़िया लगी, सारे कैरेक्टर अच्छे लगे, सबकी अच्छी लगी, बस सारे ही कैरेक्टर मुझे अच्छे लगे। बहुत अच्छा था। द लॉस्ट गर्ल जो लड़की ने जो किरदार निभाया है इस स्टोरी में एकदम दिल को छू देता है वो, स्टार में से और बहुत अच्छा लगा। फुल स्टार तो बहुत वाइल वॉचिंग, मुझे यू नो जैसा मूवी का नाम है लॉस्ट गर्ल तो मैं तो लॉस्ट ही हो गई थी मूवी में, आई वाज कनेक्टिंग वेरी मच। लड़कियों को क्या मैसेज है, अभी एक लड़की हो क्या बोलना चाहती हो, क्या मैसेज तो मैसेज तो यही है कि इस मूवी में जैसे दिखाया गया है कि जब से इस लड़की का जन्म, बहुत अच्छी मूवी है ये, मूवी एक मैसेज भी देती है। ये वाक्या है वो उस लॉस्ट गर्ल की जो बचपन में उसकी जो मेमोरीज होती है और वो तरह तरह के सपने बन के उसको आते हैं बड़ी होने तक, और वो सपने उसके पीछा नहीं छोड़ती है, वो उसका वर्तमान बन जाती है, उसका हकीकत बन जाती है, और जब तक वो उसको सॉल्व नहीं करती है तब तक वो चैन से नहीं रहती है। इसका जो स्टोरी है बहुत ही यूनिक है, इमोशनली है, और एक लड़की गुम होके उनके उनको बड़े होके फिर सपने भी आते थे उनके माँ बाप के, फिर उनके दूसरे जो माँ बाप थे उन्होंने बड़ा किया उनको, तो स्टोरी बहुत थोड़ा यूनिक है और अच्छा है। जब ये माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, इवन बचपन में भी उनको, बचपन में भी उन बच्चे को जब सेकंड माँ और बाप थे तो उनको छोड़ के जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा इमोशनली था, मतलब आंसू आ जाने वाला। महिलाओं के बारे में बोलूँगी तो वो जो लड़की थी शी इज़ वेरी, मतलब कितना स्टार देना चाहेंगे, 5 में से 5 बनता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी थी, इमोशनली थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे।